कोरोना बीमारी से बचाव के लिए लोगों का अधिकाधिक टीकाकरण हो सके, इस प्रयास में जिला कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के द्वारा तरह तरह की मुहिम जिले भर में चलाई गई, जहां पुलिस और राजस्व अधिकारियों द्वारा शहरी क्षेत्र के विभिन्न स्थलों सहित गांव गांव जाकर जन जागरूकता कार्यक्रम कर लोगों को प्रेरित करने का प्रयास भी किया गया। लेकिन अब भी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक लोग वैक्सीनेशन के लिए तैयार नहीं है। जिला कलेक्टर के निर्देश पर वैक्सीनेशन के लिए अब अस्थायी वैक्सीनेशन सेंटर भी बनाए जा रहे हैं, जहां लोगों को प्रेरित कर अधिकाधिक टीके लगवाने के प्रयास जारी हैं। स्थानीय सेंट्रल बैंक में भी वैक्सीनेशन सेंटर स्थापित कर बैंक में आए लोगों से जानकारी ली जा रही है कि जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया उन्हें बैंक में प्रवेश नहीं दिया जा रहा, साथ ही उनके वैक्सीनेशन कराकर बैंक में लेन देन कराया जा रहा है। इस पहल से जहां एक ओर प्रशासन का लक्ष्य पूरा हो रहा है तो वहीं लोगों में फैली भ्रांतियां भी दूर हो रही हैं। बोला गया पहले वैक्सीन लगवाइए, नहीं लगाया तो इसके बाद अंदर आइए। अभी भुगतान हो गया आपको? नहीं हुआ अभी कुछ नहीं। आपने वैक्सीनेशन नहीं कराया था? नहीं हुआ था, एक दिन गया हॉस्पिटल में तो वहाँ नंबर नहीं लग पाया। यहां अभी आपने टीका लगवाया? जी नहीं। पैसा भी नहीं मिला आपको? जी नहीं। टीका लगवा के जाएंगे यहाँ से? हाँ यही तो, अब लगवा ही नहीं, लेने दिया जा रहा है, थोड़ा सा वैक्सीन नहीं लग पाया है। अभी तक आपने वैक्सीनेशन नहीं कराया? नहीं, आज लगवाना था तो हो गया। अब ये 8 लोगों का ग्रुप मांगता है, उतने आदमी इकट्ठा हो नहीं पाए थे। तो क्या बोले यहाँ अधिकारी जो बैंक गेट में लगे? बोले कि आप वैक्सीन लगवा लीजिए, इसके बाद जो है आप जो है जो भी काम है अपना करिए। वैक्सीनेशन करा रहे हैं आप अभी? अभी तो मैं फिलहाल रिकॉर्ड नहीं रखा हूँ, मैं रिकॉर्ड लाए के बाद लगवा लूँगा वैक्सीन, के बाद कार्रवाई होगी। इतने दिनों से वैक्सीनेशन हो रहा है, अभी तक क्यों नहीं कराया आपने? होगा समय नहीं मिल पा रहा था, और संयोग से कि माने जो है लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे थे, 8 लोग 10 लोगों को ग्रुप मांगते हैं।